नमस्कार दोस्तों, एम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए लगातार यहां पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी न्याय हेतु संघर्ष के मिशन के चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी के महाराष्ट्र के दौरे के बाद दिनांक 1/10/2024 को आजाद मैदान मुंबई में एक बड़े आंदोलन के पश्चात विभिन्न प्रदेशों में सभाएं यहां पर जो है जारी है, जिसके बारे में लगातार अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। वहीं ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए सीबीटी के अंतर्गत बनी नई उप समितियों उनकी आगामी मीटिंगों व आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभा के पश्चात 3 सदस्यीय एनएससी टीम यहां पर जो है गठित की गई और दिल्ली भेजी गई थी। तो यहाँ पर 24/10/2024 और 28/10/2024 के बीच यहाँ पर जो है कई महानुभावों से इन्होंने मुलाकात की है, जिसमें कि माननीय श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती जी से 25/10/2024 को, श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी जो कि सीबीटी के यहाँ पर जो है सदस्य है उनसे 24/10/2024 को, एनएससी टीम द्वारा सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी से उनके निवास पर यहाँ पर जो है मुलाकात की गई। साथ में ही बेलगाम कर्नाटक के माननीय एमएलए अभय पाटिल जी से भी यहां पर जो है मुलाकात की गई। वहीं पर श्री आर करुमल्यन जी से भी 24/10/2024 को यहां पर जो है एनएससी के सदस्यों के द्वारा मुलाकात की गई, जिसमें कि वीरेंद्र सिंह रजावत जी, पीएन पाटिल जी यहां पर जो है शामिल थे। वहीं पर बीएमएस प्रतिनिधि से भी दिनांक 24/10/2024 को यहां पर जो है मुलाकात की गई। इसके अलावा माननीय श्रम राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदलाजे जी से भी 28/10/2024 को यहां पर वीरेंद्र सिंह रजावत जी और पीएन पाटिल जी यहां पर उनसे मिले और ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर चर्चा की। इसके अलावा दिल्ली के मशहूर सांसद श्री मनोज तिवारी जी से भी 27/10/2024 को यहां पर जो है दिल्ली में ही मुलाकात की गई। और इस दौरान एनएससी राष्ट्रीय टीम के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री पीएन पाटिल व राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा यहाँ पर जो है उपस्थित रहे थे। उपरोक्त दौरे के दरमियान पर्दे के पीछे कार्य करने वाली महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक टीम ने भी यहाँ पर जो है सहयोग प्रदान किया। और जिन भी लोगों से यहाँ पर जो है मुलाकात हुई उन सबका पॉजिटिव रिस्पांस जो है यहाँ पर देखने को मिला और सभी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में यहाँ पर जो है सपोर्ट की जाने की बात यहाँ पर जो है की गई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक ओर जहाँ पर माननीय कमांडर अशोक रावत जी अलग अलग प्रांतों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर पेंशन धारकों को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जनसभाएं ले रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, पीएन पाटिल जी और एनएससी की टीम नेताओं से, सांसदों से, सीबीटी सदस्यों से, विधायकों से, श्रम मंत्री वगैरह से मिलकर उन पर भी दबाव डालने का प्रयास कर रही है, ताकि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर किया जा सके। आपको ये अपडेटेड वीडियो कैसा लगा हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।